हमेशा देखो इतना चावल मैंने चढ़ाया है और मैंने साल भर में 5100 रुपया दिए, क्या सही में? और आप तो आजकल मार्केटिंग है सब चीज, बाजार में जाके पूछ लो ना एक दिन की थाली के कितना पैसा लगता है, उतना जोड़ करके पैसा देना चाहिए और उसमें कितना और जोड़ना, थाली का किराया और जोड़ना चाहिए। सुनो सुनो, अब मेरे से पूछोगे तो मैं तो देखो कंप्यूटराइज काम है मेरे, पहले तो जितनी द्रव्य चढ़ाई उतना, दो थाली दो कटोरी दो लुटिया इनका प्रयोग किया इनका किराया, टेबल का प्रयोग किया उसका किराया, चटाई का प्रयोग किया उसका किराया, और फिर मांगने से वो कटोरी घिसी उसका डैमेज, क्या बोलेंगे उसको, डैमेज चार्ज, ये सब मिलाकर के यानी जितनी द्रव्य व्यक्ति चढ़ाता है उस मूल्य से कम डेढ़ा मंदिर में देना चाहिए। कई लोग कसाई क्या करते हैं, मैंने तो दे दिया आप कौन मुझे रोक सकता है, अब मैं कितने चढ़ाऊं, मैंने तो 5000 रुपया दे दिए, अब 5000 दे करके यदि 6000 की द्रव्य चढ़ाई तो 5000 का दाम तो गया माटी में और 1000 का निर्माल का खाता तुम्हारे यहां है। इसलिए इस प्रश्न के माध्यम से सारे भारत के लोगों को मेरा कहना, एक और अपनी गंदी परंपरा चलती है कि कमरे बनते हैं, कमरा बनना है 2.5 लाख का और कमेटी घोषणा करती 1.5 लाख में, अब 1 लाख रुपया कहां से लगा, कहीं ना कहीं से तो लगेगा गुल्लक से, अब वो 1 लाख रुपए पर आपने नाम लिख दिया इस कमरे का निर्माता, अब 1 लाख रुपया उन गरीबों का लगा है जो गुल्लक में से था, तो वो 1.5 लाख रुपया तो पाप में जाएगा ही क्योंकि तुम्हें कोई पुण्य नहीं लगेगा, और 1 लाख रुपए पर तुमने कब्जा किया है धर्मात्मा के, तो महान पाप है। आजकल मैंने सबसे कह दिया है कि कोई वस्तु का निर्माण करो जितना निर्माण में आया पूरा पैसा दो, यदि आपके देने की शक्ति नहीं है तो उसमें निर्माता न लिखा कर लिखाओ इस कमरे में सहयोग दिया। सहयोग में निर्माता में कितना अंतर है, संयोग में सामने वाले का गुंजाइश है कि इसमें दूसरे का भी, और निर्माता में संपूर्ण। तो इसलिए ये सब परंपराएं चाहे मंदिर का हो चाहे कमरे निर्माण का हो चाहे द्रव्य हो, जितना खर्च करते हो पूरा लगाना चाहिए, और यदि आपके पास कम पैसा है तो आप एक एक चावल चढ़ाइए, एक बूंद जल चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, पुष्प में एक चावल चढ़ाइए, चंदन में एक चावल चढ़ाइए, दीप में एक चिटक चढ़ाइए, नैवेद्य में एक चिटक चढ़ाइए, फल में यदि बादाम का खर्चा ज्यादा आता है तो कोई और छोटा फल ले लीजिए, लेकिन जितना दिया है उससे एक चावल भी ज्यादा चढ़ा दिया तो आपका किया कराया सब पानी में मिल गया, महान पाप है।